इस वक्त जो है भीड़ कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गई है और आप सामने देखिए। जैसे ही मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी और जो फायरिंग है वो ऊपर से शुरू हो गई। जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। न्यायालय के आदेश का पालन होगा, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। पहले पथराव, फिर आगजनी। आखिरकार गोलीबारी और लाठीचार्ज। संभल संभाले नहीं संभल रहा था, पूरी पुलिस फोर्स उतारनी पड़ी, लाठियां फटकारनी पड़ी। भीड़ किसी के सुनने को तैयार नहीं थी, माहौल बिगड़ता ही जा रहा था। उपद्रवी इस कदर उग्र थे कि एक के बाद एक पुलिस अफसर घायल होते जा रहे थे। आखिरकार खतरनाक तेवरों को ताकत से काबू करने की कोशिश की जाने लगी। क्या संभल संभल पाया? क्या हालात काबू में हैं? क्या मस्जिद का सर्वे संपन्न हो पाया? इस बवाल में कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? इस खास पेशकश में देखिए ऐसे हर सवाल का जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रविवार को संभल दिन भर सुलगता रहा, यानी कि आज मस्जिद के सर्वे को लेकर टीम के पहुंचने के साथ ही पहले पत्थरबाजी शुरू हुई, फिर आगजनी शुरू हो गई। स्थिति बेकाबू होने लगी तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। दिनभर के हंगामे में तीन युवकों की जान चली गई। सर्वे तो हो गया लेकिन शांति बनाए रखना पुलिस और प्रशासन के लिए अब संभल में एक चुनौती बन गया। संभल में संग्राम, तीन लोगों की गई जान, सर्वे पर उठाए सवाल, भीड़ ने किया बवाल। संभल की गलियां पत्थरों से पटी पड़ी हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं दिन भर के हुए बवाल की, साजिश की, जवाबी कार्रवाई की और उन्माद में डूबे एक शहर की। संभल में रविवार की सुबह तक सब कुछ शांत था। शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के अदालती आदेश पर सुबह सवेरे पहुंची टीम अपना काम शुरू कर ही रही थी कि पत्थरबाजी शुरू होने लगी। रविवार को संभल की शाही मस्जिद का एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे पूरा होना था। 19 नवंबर को इसका पहला दौर पूरा हुआ था और किसी तरह का कोई बवाल देखने को नहीं मिला था, लेकिन रविवार को पत्थरबाजी हुई तो माहौल बिगड़ता चला गया। जल्द ही आसपास के जिलों की पुलिस को भी बुलाना पड़ा। जामा मस्जिद में सर्वे के बाद इस वक्त जो है भीड़ कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गई है और आप सामने देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की जो है आज तक पर आप जो है सामने देख सकते हैं। देखिए इस वक्त जो ये भीड़ थी हंगामा कर रही थी और उसके बाद उस भीड़ को जो यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए आइए आइए इधर आ जाइए, मैं आपको कैमरा मैन चाहूंगा, देखिए इधर आ जाए। देखिए ये भीड़ इस वक्त जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इकट्ठा हो गई थी उसके बाद अब इस भीड़ को यहाँ से जो हटाया जा रहा है। काफी आक्रोश था इस सर्वे को लेकर के जो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों में, जिसके बाद अब डीएम और एसपी यहाँ पर जो पहुंचे हैं और इस पूरे जो है क्या नाम है लोगों को जो है आक्रोशित भीड़ को जो कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भीड़ संभाले नहीं संभल रही थी। संभल की गलियों से निकलकर हाथों में पत्थर थामे भीड़ पुलिस वालों को निशाना बना रही थी। आखिरकार भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से भी हालात काबू नहीं हुए। हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे थे कि संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ अनुज चौधरी और कोतवाली प्रभारी अनु तोमर समेत कई पुलिस अफसर और कर्मचारी घायल हो गए। आखिरकार पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और फिर गोलियां भी चलानी पड़ी। संभल में रविवार को दिन भर चले बवाल में तीन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस प्रशासन ने हालात काबू होने के बाद अब पत्थरबाजों को चिन्हित कर उन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। तीनों ओर से भीड़ अचानक आई और लगभग सवा नौ तक कोई भी पत्थरबाजी नहीं थी। सवा दो घंटे, लगभग पौने दो घंटे आराम से सर्वे चला, लेकिन उसके बाद सवा नौ बजे अचानक थोड़ी पत्थरबाजी हुई तो हल्का बल प्रयोग करके हमने उनको पीछे हटा दिया। जैसे ही मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी और जो फायरिंग है वो ऊपर से शुरू हो गई। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे जिसने उकसाया हो या जिसने प्लानिंग से किया हो,
जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी। अभी जो मजिस्ट्रियल कमेटी है वो अंडर प्रोसेस है, अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रियल ड्यूटी सब जगह पे लगा दी है ताकि शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। उनका जो ग्रुप था वो उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया, 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में गोली चली, कहा गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है और इस गोलीबारी में जहाँ तक अभी तक कन्फर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आखिरकार एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे पूरा करा लिया गया। करीब 2.5 घंटे तक चली हर गतिविधि की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। सर्वे टीम जब बाहर निकली तो पुलिस ने काफी हद तक हालात पर काबू पा लिया था, लेकिन इस टीम को सुरक्षित निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट से आए हुए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और उनके साथ जो पूरी लॉयर्स की जो वकीलों की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है भारी पुलिस बल के साथ, और ये टीम अब जो है जामा मस्जिद से बाहर निकली है। सामने आप देखेंगे तो देखिए एक एक करके जो टीम के लोग हैं वो कहीं ना कहीं भागते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने आप देखेंगे तो देखिए ये मस्जिद कमेटी के लोग हैं, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन यहाँ पर मौजूद हैं, इसी के साथ भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। हालांकि एक तरफ आप जो है अगर हम जो देखेंगे तो भीड़ कहीं ना कहीं आक्रोशित है, पुलिस पर लगातार जो है पत्थरबाजी जो है की जा रही है, और दूसरी तरफ जो है लगातार अब ये 2.5 घंटे तक जो है सर्वे की कार्रवाई करने के बाद अभी टीम यहाँ से बाहर निकली। इधर बवाल हुआ तो सूबे का सियासी पारा भी तेजी से चढ़ने लगा। उपचुनाव के नतीजों के अगले ही दिन हुए इस बवाल से विरोधी दलों को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि चुनाव से बहस को हटा करके ये जानबूझ करके जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। मैं यूपी सरकार को ये भी कहना चाहूंगी, खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी, ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहां सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है, ये अति निंदनीय है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी फौरन पलटवार हुआ और साफ तौर पर कहा गया कि संभल की फिजा बिगाड़ने और अदालती आदेश के पालन करने में अड़चन डालने वालों के साथ सख्ती की जाएगी। विष्णु शंकर जैन जी नहीं कह रहे हैं, अदालत में उन्होंने मुकदमा किया, अदालत ने उसका कमीशन करने का आदेश दिया है, उसमें किसी को अड़चन नहीं डालनी चाहिए। और इस प्रकार की अड़चन डालना माने कि कानून के खिलाफ एक तरह से यह प्रयास करना है, और उनको मैं कहना चाहता हूं कि न्यायालय के आदेश का पालन होगा, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, और जो सर्वे का आदेश हुआ है वो सर्वे का काम जिनको करना है वो सर्वे का काम। फिलहाल संभल की इन गलियों में शांति दिख रही है, लेकिन इस शांति की कीमत कई जान देकर चुकानी पड़ी है। वैसे आरोप प्रत्यारोपों के इस दौर के बीच 29 नवंबर को सर्वे की रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। संभल से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं संभल में सुबह से लेकर अभी तक हंगामे की हर तस्वीर। गवाह के तौर पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा वहां पर मौजूद रहे। हिमांशु की एक ग्राउंड रिपोर्ट। सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद पहुंचने वाली है, इसकी जानकारी आसपास के इलाके के लोगों को थी। सर्वे की टीम पहुंचती इसके पहले डीएम जो इस इलाके के संभल के, उनका कहना है कि पूरे इलाकों को सुरक्षित किया गया था, ड्रोन से सर्वे करवाया गया था, लेकिन 7:30 बजे जैसे ही लोगों को पता चला कि सर्वे करने के लिए टीम पहुंच गई है, यहां सामने से लोगों की भीड़ एक एक कर जुटनी शुरू हुई। अभी पुलिस कुछ समझ पाती कि यहां से लोग जो जुट रहे हैं उनको कैसे काबू किया जाए, पुलिस ने उनसे बात करने की, समझाने की कोशिश की, तभी जबरदस्त तरीके से पथराव शुरू हो गया। पथराव इतनी तेज किया गया कि जो शुरुआत में पुलिस के लोग थे उन्हें समझ में नहीं आया कि वो एक
पहले पीछे हटे और उसके बाद फिर भीड़ को खदेड़ने का काम यहां से किया गया, भीड़ को यहां से दूसरी तरफ भेजा गया। लेकिन उसके पहले इस पूरे इलाके की तस्वीर भीड़ ने बदल दी। आप देखिए, जो गाड़ियां यहां खड़ी हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, जो गाड़ी यहां पर इस तरीके से है मौजूद, आप देखिए इसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। कितने पत्थर मारे गए हैं वो इस गाड़ी के अंदर देखने से अपने आप साफ हो जाएगा। पूरी छत पत्थर मार के दब गई, तो आप सोचिए कि अचानक से कितने पत्थर आए होंगे। मस्जिद के ऊपर अगर आप ध्यान दीजिए तो मस्जिद पर भी आपको जगह जगह पत्थरों के या पत्थर नजर आएंगे। इतनी तेज यहां पर पत्थर चले थे कि ऊपर वहां तक पहुंच गए हैं और इस गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़ दिया। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए, ये वो पत्थर है, ये वो ईंट है जो नालियों के अंदर से अभी यहां पर क्लीन किया गया, हटाया गया, तो पूरे इलाके को क्लीन किया जा रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये यहां पर जो गाड़ी खड़ी थी जो संभवतः पुलिसकर्मी थी की थी, क्योंकि यहां पर लोग पहले जो पहुंचे थे जिन लोगों की शिफ्ट थी उन लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने अपनी गाड़ियां आसपास जो पार्क की थी उसको आग के हवाले किया गया। उसके बाद आप ये देखिए, ये पूरा इलाका आप देखिए, ये जो हैवी यहां से केबल गई हुई थी बिजली की, ये आप देखिए नीचे जब गाड़ी में आग लगती है उस गाड़ी में, तो ये जलकर नीचे यहां पर गिर जाती है। लेकिन उसके पहले बिजली काट दी गई थी, लेकिन नहीं तो ये भी एक बड़ा हादसा होता। भीड़ सिर्फ वहीं से नहीं आई थी, हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे इलाके की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये सामने देखिए, इधर से भी कुछ लोग यहां से भी आए थे जिन्होंने पत्थरबाजी की। उसके बाद पुलिस ने जब उन्हें, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उन्हें खदेड़ा, तो वो दूसरी तरफ भागते हैं। और ये रास्ता जो है, ये रास्ता आगे जाता है जो मस्जिद का फ्रंट गेट है। मस्जिद के फ्रंट गेट की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। यहां पर आगे देखिए, यहां पर भी आपको जगह जगह देखिए पत्थर ही आपको नजर आएंगे, ईंट पत्थर यहां पर, क्योंकि चारों तरफ से जब पत्थर फेंके जा रहे थे तो कोई भी इलाका यहां पर सुरक्षित नहीं था। हालांकि डीएम का कहना है कि तैयारी ऐसी नहीं लग रही कि पहले से थी, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर यहां पर पत्थरबाजी की गई इसको देख करके स्पष्ट है कि पहले से तैयारी हो सकती है। अंदेशा इस बात का भी जताया जा रहा है कि क्या कुछ लोग बाहर से आए थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया, तैयारी की गई थी, क्योंकि पहली बार जब सर्वे की टीम आई थी तो उस वक्त नारेबाजी हुई थी, लेकिन इस तरीके की पत्थरबाजी नहीं हुई थी। इस बार दो पक्ष संभल की शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर आमने सामने आ गए। क्या कहना है याचिकाकर्ता के वकील और संभल के सांसद का? इस आदेश के तहत क्योंकि दूसरे पक्ष को, यानी कि हमारे पक्ष के लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, उनको सुना जाना चाहिए था पहले, सर्वे देने से पहले, आदेश देने से पहले। खैर, कोर्ट का मामला है, उन्होंने आदेश दिया। लेकिन उससे ज्यादा मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और एक दो घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुले उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी कायम। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद थे। अच्छा सर, ये सर्वे के बारे में बताना चाहेंगे, क्या कुछ पाया अंदर? नहीं, अभी इसके बारे में हम कोई बयान नहीं देंगे। नो कमेंट्स इसके बारे में। अब जो भी बात है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में आएगी। विशेष में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए